नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत BHEL पुलिस चौकी के ठीक सामने से आ रही है, जहां आज देर शाम एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक वाहन ने मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों मोटरसाइकिल सवार लोग मोटरसाइकिल से उछलकर बीच सड़क पर गिर गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तीसरे व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे 108 एम्बुलेंस द्वारा झांसी मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झांसी जिले के ग्राम खैलार निवासी एक युवक अपने रिश्तेदारों को लेकर मोटरसाइकिल से बबीना की ओर जा रहा था, तभी भी BHEL पुलिस चौकी के ठीक सामने एक इलेक्ट्रिक वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा घटित हो गया। झांसी से सुमित साहू के साथ निधि पटेरिया की रिपोर्ट। बबीना थाना क्षेत्र के भेल कस्बे में आज एक सेना की गाड़ी और मोटरसाइकिल के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो लोगों की डेथ हो गई है तथा एक घायल है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बीते सर बात की जाए 4-5 दिनों की, तो बबीना कस्बे में कई सड़क हादसे हुए हैं, क्या है अब तक का हुआ? पिछले 4-5 दिनों में बबीना थाना क्षेत्र में और भी 3 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें कुल 4 लोगों की डेथ हुई है तथा एक बस और टैंकर के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें करीब 20 लोग घायल हुए थे। सर क्या लग रहा है कि क्या वजह है, सड़क की रफ्तार है या न होने की, क्या लग रहा है? बिल्कुल, हाईवे पे लोग एक तो स्पीड भी ज़्यादा चलते हैं हाईवे होने के कारण, तथा जो अभी ललितपुर से जो उस दिन परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर के एक महिला कैंडिडेट आ रही थी, उनके साथ दो लोग और थे, वो डिवाइडर पे चढ़ गए थे। उसका भी कारण जब हम लोगों ने पता चला तो उसमें भी स्पीड ज़्यादा थी, तो ज़्यादा स्पीड के कारण मुख्य कारण ये है कि स्पीड ज़्यादा लोग लेके चल रहे हैं हाईवे पे, जिसके वजह से ये ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।